जमशेदपुर के मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में चलने वाले दो दिवसीय कैरम प्रतियोगिता का हुआ समापन। ट्विस्टर क्लब के समीर और वसीम बने चैंपियन। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में 30 एवं 31 दिसंबर को डे नाइट कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन उद्घाटन समारोह में जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, डॉक्टर हसन इमाम मल्लिक मैनेजर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं अविनाश त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने आकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में जमशेदपुर की कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल तक पहुंचने वाली टीम में ट्विस्टर क्लब के समीर उर्फ मोलू और वसीम ने फाइनल मुकाबले में रिमझिम क्लब के फहद और अशरफ को हराकर खिताब पर कब्जा किया। फहद और अशरफ की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही एवं तीसरे स्थान पर शाही क्लब के शादाब और चांद रहे। फाइनल मुकाबले में शहर के 4 प्रसिद्ध कैरम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें मोहम्मद बरकतुल्ला, शमीम अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी एवं पुतुल थे। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में करीमिया ट्रस्ट के ट्रस्टी सैयद अशफाक करीम, टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के मैनेजर डॉक्टर हसन इमाम मल्लिक, साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार एवं जेएचएफ के उपाध्यक्ष राहत हुसैन मोना उपस्थित रहे। प्रतियोगिता को सफल बनाने में मुख्य रूप से योगदान देने वालों में शहजादा नज्जू, कमर इकबाल, सैयद कलीम, खालिद इकबाल, मासूम, मुन्ना, इजहार, बादल, राजू, आरिफ, धीरज, आबिद, गुलाम मौला, खुर्शीद, नौशाद एवं फुटबॉल खिलाड़ी जावेद और निसार मुख्य रूप से शामिल थे। ये कैरम का टूर्नामेंट था जिसमें 32 टीमें आई थी। इसका कल उद्घाटन हुआ, जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर आए, आना था डीसी मैम को, लेकिन उनकी मसरूफियात और जो लोड है उनके ऊपर पूरे ज़िला का, आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करती हैं वो नहीं आ सके। तो लेकिन वो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आए और साथ में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अविनाश त्रिपाठी जी आए थे। अच्छा ओपनिंग हुआ और आज आपने देखा कि कितना शानदार टूर्नामेंट हुआ। शहर के बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत जावेद अशफाक करीम साहब, जो करीम सिटी कॉलेज के करीमिया ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और इस शहर के बावकार पर्सनालिटी हैं, और बच्चों में जो उमंग है, मैं तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, मुझे भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है, मुझे इतनी खुशी है कि बच्चों को दो दिन तक सैकड़ों बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहे। जो हुल्लड़बाजी 31 को होता है या 1 को होता है, उसके तरफ से ध्यान हट करके सारे लोग खेल कूद में लगे रहे। तो मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब ने बहुत ही अच्छी सौगात नए साल में दिया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ क्लब के सभी मेम्बरान को, खास करके राजू, शहजादा, मुन्ना, उनके साथ पूरी टीम एकदम एकजुट होकर के सैकड़ों बच्चों को क्रम में जोड़ कर रखा। कोई तरह का हुल्लड़बाजी में नहीं जाने दिया। नशा मुक्त जो एक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभियान चल रहा है, उसमें एक तरह का मदद किया मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब ने। और यहाँ सभी जाति के लोग, ऐसा नहीं कि मॉडर्न स्पोर्टिंग में खाली मॉडर्न बच्चे खेल रहे, नहीं, हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे मिल करके ये टूर्नामेंट को खेले। सभी को काफ़ी खूबसूरत, आपने देखा ट्रॉफी कितना खूबसूरत है, 21,000 रुपये का इनाम, फर्स्ट 10,000, सेकंड 5,000, थर्ड। तो एक दो दिन का ये माहौल में कई बच्चे जो गलत रास्ते में जाते हैं, उधर हुल्लड़ करते ना करके, ये मॉडर्न स्पोर्टिंग और आसपास के पूरे इलाके के लोग काबिले मुबारकबाद है कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ऐसा टूर्नामेंट 31-1 को हर जगह जमशेदपुर होगा तो जितने यंग बच्चे हैं वो इस खेल की तरफ रुझान रहेगा, तो हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। ये ऐसा होना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और आप देखें, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब से अविनाश जी स्पोर्ट्स अधिकारी बने हैं, गवर्नमेंट में भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे। 2 दिन पहले CM आए थे, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। टाटा स्टील ने GRD खोल के रखा है, जो बच्चे को स्पोर्ट्स करना है, आजकल स्पोर्ट्स से करियर बन रहा है, कितनी नौकरियाँ हो रही है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जमशेदपुर में अगर लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए तो दूसरे राज्य में इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के सेक्रेटरी, उसके प्रेसिडेंट लैकुर रहमान साहब को और पूरे मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब और मॉडर्न लाइन को, कि सारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों ने काफ़ी डिसिप्लिन के साथ टूर्नामेंट किया। मैं दोनों दिन आया था मैं इस टूर्नामेंट में। ये जो प्रतियोगिता था हमारे मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में कराया गया है, जिसमें 3 दिनों तक ये यहाँ पर पूरा टूर्नामेंट चला, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था
और आज इसका फाइनल जो है हम लोगों ने फाइनल को करा करके पूरा कंप्लीट किया है। और फाइनल में जो विनिंग टीम्स है वो ट्विस्टर बॉयज क्लब के मोनू एंड पार्टनर है, और जबकि रनर्स ऑफ टीम जो है वो रिमझिम के फहद एंड पार्टनर रही है। इस टूर्नामेंट में बहुत दूर दूर से टीम आई थी, जैसे कि आप समझिए जुगसलाई है, गुलमुरी है, आज़ाद बस्ती है, और आपका चांडिल है, और हल्दी पोकर है, आउटर के मतलब 4-5 टीम बाहर से भी आई थी। हमारे बीच हमारे जो चीफ गेस्ट जो रहे इस टूर्नामेंट का जो आगाज किए थे हमारे एडीएम साहब, उन्होंने आगाज किया था, और उसके बाद हमारे बीच हमारे सांची थाना प्रभारी संजय कुमार जी उपस्थित हुए, और हमारे हसन इमाम साहब जो हैंडबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी है टाटा स्टील के, उन्होंने भी आज फाइनल में ट्रॉफी देने में हमारा बहुत योगदान दिया। और हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो जनाब अशफाक करीम साहब, करीम सिटी ट्रस्ट के ट्रस्टी, वो हमारे बीच आए और उन्होंने खिलाड़ियों को काफ़ी शानदार रूप से प्राइज दे करके सम्मानित किया है। फाइनल जीतने वाली टीम को हम लोगों ने 21,000 का नगद पुरस्कार और उसके साथ उन्हें विनिंग ट्रॉफी से नवाजा गया, और रनर्स अप टीम को जो हम लोगों ने पुरस्कृत किया उसे 11,000 रुपया और उन्हें रन एक ट्रॉफी उन्हें भी प्रदान किया गया। और हमारे जो टूर्नामेंट में जो सेमीफाइनलिस्ट में जो दोनों टीम आई थी उसमें थर्ड जो हुआ है उसको 5,100 यानी 5,100 रुपये का पुरस्कार और उसके साथ में शील्ड देकर के भी ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया। ये टूर्नामेंट क्या ये पहली बार हुआ था? नहीं, इस तरह का टूर्नामेंट हम लोगों ने 5 साल पहले हम लोगों ने कराया था, लेकिन ये हम लोगों का फर्स्ट ईयर है और आगे साल यही डेट में फिर हम लोगों जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें हम लोग 64 टीम को पार्टिसिपेट करवाएंगे, जिसमें ज़्यादातर जो टीम के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास कटक है, खड़गपुर है, मेदिनीपुर है, कलकत्ता है, बहुत जगह से कॉल आया, पर हम लोगों का टीम जो है यहाँ टूर्नामेंट में 32 टीम कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने बाद में सोचा कि नहीं 32 का हिस्सा जो अनाउंस हुआ 32 से रहने दिया जाए, अगले साल हम लोग जो है 64 टीमों को इस टूर्नामेंट में खिलाएंगे और जिसमें जो विनिंग प्राइज होगा वो 51,000 का होगा। हमारा परिचय मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब साक्षी।